इस बैंक को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या करना चाहिए, लेकिन इस बैंक के लिए इसका होना जरूरी है। ठीक है, कैसे होगा 30 डिग्री पे 50 किलोमीटर ले लिया आपने, फिर वैसे ही यहाँ भी 50 ले लिया आपने, चारों से 50 आपने ले लिया। यहाँ पे आपने देखा ये जो लिस्ट बनाया हम लोगों ने, सब साइड के मिडिल मिडिल होते हुए जा रहे हैं, ये एंड, ये मिडिल, ये मिडिल, सेंटर रेडियस यहाँ से किनारे लिया, इस पॉइंट का आपने सेंटर बनाया और सी से टू, सी से वन को रेडियस बनाया, सी सेंटर, सी से टू रेडियस, वैसे रिवर्स इसको सीवन मान लेते हैं, मान लेते डिस्टेंस तो ही रहेगा, अब सीवन को सेंटर बनाए, इधर को बनाए, कितना सेंटर पॉइंट हुआ अभी तक, दो सेंटर पॉइंट हुआ, एक सीवन और एक सी। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट को सेंटर बनाएंगे, मान लेते हैं सी टू, और C2 से 2 का डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, सब डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, यहाँ सेंटर बना ये रेडियस भी। अब उसके बाद यहाँ सेंटर बना ये रेडियस लेंगे, इस तरह जब हाइट में जाए इसकी नीचे आए, यहाँ से इतनी नीचे आए, यहाँ से इतनी नीचे आए, ये मिडिल, ये मिडिल, सेंटर रेडियस, ये सेंटर में रेडियस, ये सेंटर में रेडियस, क्या करेंगे इसको, ये पूरा काम कंपास से हो, लो फ्री हैंड वर्क, इसलिए वो उतना स्मूथ नहीं बने जितना स्मूथ ये बने, तो इसमें यहाँ रखना और इस सेंटर कहाँ रखना, डिस्टेंस कहाँ लेना, तो मैंने आपको बताया कि कितना मीटर, 4 सेंटर मीटर है ना, लेकिन तुमने बनाया 2 सेंटर मीटर, आज बता देता हूँ, ठीक है, मतलब 4 से नहीं बनाया तुम लोग, 2 से बनाया, कैसे 2 से बनाया था, यहाँ 30 डिग्री लिए, यहाँ 30 डिग्री लिए, यहाँ से लिए, यहाँ से लिए, ये एंड, ये मिडिल, ये एंड, ये मिडिल, इसको सेंटर बनाया, इसको रेडियस लिए, ले कैसा घुमाए, अब घुमाते हो यहाँ पर ले, ठीक है, ये सेंटर से क्या ज़्यादा हो, अब ये काम फिर क्या करेंगे, यहाँ सेंटर बनाएंगे और ये रेडियस लेके इधर घुमाएंगे, घुमाते हुए आएंगे, दो सेंटर में, इंजीनियर लोग तो बेवकूफ़ है, बेटा 4 सेंटर में काम करते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें ओवल शेप नहीं आएगा, उसमें ये वाला पॉइंट एकदम शार्प कॉर्नर हो जाता है, ऐसे हो जाता है आपकी जैसे, तो आना कैसे है, ओवल शेप, ओवल शेप तभी आएगा जब आप यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट बनाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं।